हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन। आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि आप लोग अपने फ़ोटो या सिग्नेचर को केबी में कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कहीं पर भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फ़ोटो अगर एमबी में है तो उसे वह केबी में अपलोड करने के लिए बोलता है, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि अब फ़ोटो को केबी में कैसे बदलें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं कि आप लोग अपने फ़ोटो को केबी में कैसे बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को जाए। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ़ोटो को केबी में चेंज करने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस एप्लीकेशन का नाम है क्यू रिड्यूसर, सिंपली आप उसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने दिखेगा चूज फोटो का ऑप्शन, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सीधा अपने गैलरी में आ जाएंगे। आप जो फ़ोटो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो मुझे फ़ोटो लेना है, सिंपली मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर यहाँ पर केबी में चेंज करना है, तो मैं अपना यह सिग्नेचर यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरा फ़ोटो अभी जो है वह 1.81 एमबी में है। मैं इसको केबी में चेंज करना चाहता हूं, तो केबी में चेंज करने के लिए यहां पर जो 200 का ऑप्शन है, सिंपली आप इसको यहां से हटा देंगे। हटाने के बाद यहां पर आप अपने फ़ोटो को जिस केबी में चेंज करना चाहते हैं वह केबी यहां पर डाल देंगे। जैसे मैं अपने फ़ोटो को यहां पर 50 केबी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। 50 लिखने के बाद यहाँ से आप केबी या एमबी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो जीबी में है तो आप एमबी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपका फ़ोटो एमबी में है तो आप केबी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी केबी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ केबी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ 50 लिखने के बाद यहाँ जो कंप्रेस का ऑप्शन नीचे आ रहा है, तो यहाँ कंप्रेस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, हम लोगों का फाइल यहाँ पर केबी में चेंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए, कंप्रेस्ड फाइल साइज 48.63 केबी। तो यहाँ पर देखिए, मेरा फ़ोटो 50 केबी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर देखिए 48.63 में है। तो इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अगर आप कोई वहाँ फार्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपसे 50 केबी मांगा है, तो उससे अगर कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप फ़ोटो कंप्रेस कर रहे हैं, तो अगर आपका जितना आप कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे 50 केबी में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर 20 केबी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे कम है तो चलेगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर कम भी होता है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, लगभग हम लोगों का 50 केबी के आसपास में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको सेव करने के लिए यहाँ पर जो सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो रहेगा वह आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप अपने फार्म में इसको अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग सिंपली आसान तरीके से अपने फ़ोटो को एमबी से केबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल टेक्निकल वर्सेज विपिन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।